हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास इस सीरीज की दूसरी वीडियो लेके आया हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स नियर 100। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स नियर 50। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 89 × 87 का। अब देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएं तो ये काफी लेंदी होगा, काफी लेंदी। जिनके लिए मल्टीप्लिकेशन ईजी है उनके लिए ज्यादा नहीं है, बट जो स्टूडेंट्स हमारे 6 to 10 में पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा टाइम लगेगा। IBPS जैसे एग्जाम में और ऑनलाइन एग्जाम होता है, SSC जैसे एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, ना कि टाइम लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक्स सीखते हैं। और ये ट्रिक्स को सिखाने में जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं ये काफी ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। ट्रिक्स को सिखाने के लिए नहीं, कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए पैसे चार्ज करते हैं, बट इन ट्रिक्स को मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं, नहीं तो आप दूर रह जाएंगे। चलिए देखते हैं 89 × 87। तो 89 और 87 को हम इस तरह से लिखेंगे, 89 जो है हमारा 100 से 11 छोटा है और ये जो है ये 13 छोटा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 13 और 11 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 143। अगर आप 89 में 13 को माइनस कर दें या 87 में 11 को माइनस कर दें तो ये आपका आ जाएगा 76। अब देखिए, ये जो नंबर है हमारे पास 76 और 143, हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो ये बन जाएगा 77 और इस नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे 7743। सो दिस वॉज द शॉर्टेस्ट ट्रिक ऑन मल्टीप्लीकेशन और डिजिट्स नियर 100। अब देखिए कितनी आसानी से हम लोग दो नंबर जो 100 के बहुत करीब है उनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो प्लीज वीडियो पूरा देखिए और आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बहुत अच्छे से मिलेंगे, आसानी से मिलेंगे, आपका जो मैथ्स को लेकर डर है ये काफी कम हो जाएगा। थैंक यू।